फ्रेंड्स नमस्कार सत श्री अकाल सलाम दिस इज अमित कपूर। सो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 22nd ऑफ मार्च से लेकर 4th ऑफ मई के बीच बहुत बड़ा एक कंजक्शन होने जा रहा है जो ट्रांजिट में बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। खास करके हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट जो आपके एक्शन को आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसा प्लैनेट जो आपके हार्डवर्क से मिले हुई कामयाबी को शो करता है। इन दोनों प्लैनेट्स का नाम है मार्स और सैटर्न। यानी 22nd ऑफ मार्च से लेकर 4th ऑफ मई तक मार्स और सैटर्न का कंजक्शन हो रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में। इसमें जो मार्स है वो एग्जाल्टेड हो रहे हैं और जो सैटर्न है वो ऑन साइन में जा रहे हैं। सो गाइस बहुत सारे लोग इस समय में बहुत ज्यादा दुविधा में हैं। फोन कॉल आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि सर हमारे लिए मार्स और सैटर्न का कंजक्शन कैसा है या कैसा रहेगा, हमारे असेंडेंस के हिसाब से कैसा है या हमारे मून साइन के हिसाब से कैसा है। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको मार्स और सैटर्न के बारे में बताऊंगा कि जब ये कंजक्शन होगा तो कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को डोमिनेट करेगा। सो गाइस मार्स हमारी लाइफ में हमारे एक्शन को, हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शौर्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर कितनी ज्यादा स्फूर्ति है, हम कितने ज्यादा एक्टिव हैं, ये मार्स से हमें पता लगता है। उसी तरीके से गाइस जो सैटर्न है ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। आप समझ के चले कि कैसे एक अच्छा और सही इंसान बनना है, ये हमें शनिदेव सिखाते हैं। सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग पोजीशन में है या मार्स आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग पोजीशन में है और ट्रांजिट में मार्स और सैटर्न का कंजक्शन जो है एक अच्छे हाउस में हो रहा है आपके असेंडेंस से या आपके मून साइन से, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स लेकर आने वाला है, बहुत ज्यादा सक्सेस कामयाबी लेकर आने वाला है। इस पीरियड में आपको कामयाबी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो भी आपके रुके हुए काम है वो सब क्लिक होंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं, जैसे कि आप सब जानते हैं ये आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। अगर आप असेंडेंस को माइंड में रखकर इस प्रेडिक्शन को सुनेंगे तो ये 80% आपके ऊपर अप्लाई होगी, और अगर आप मून साइन को माइंड में रखकर इस प्रेडिक्शन को सुनेंगे तो ये 50-60% आपके ऊपर अप्लाई होगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस आपके लिए आपके असेंडेंस से 7th हाउस में मार्स सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन हो रहा है। मार्स और सैटर्न 22nd ऑफ मार्च से लेकर 4th मई तक यहां पर मार्स एग्जाल्टेड है, सैटर्न ऑन साइन में है और 30th मार्च को जुपिटर यहां पर ज्वाइन करेंगे सैटर्न और मार्स को और नीच भंग योग बनाएंगे। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, आपका कोई अफेयर है जो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, पार्टनरशिप के ऑफर्स आएंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होके चले, अपनी स्पाउस की हेल्थ को लेकर केयरफुल होके चले, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रबल आपको स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड रहेगी। बट ओवरऑल गाइज ये समय आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, फेम प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। कैंसर असेंडेंस यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी नेचर, आपकी प्लानिंग्स कैसी हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी मार्स का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो आप बिल्कुल गुस्सा ना करें, सोच समझ के डिसीजंस लें। लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। ये 45 डेज जब मार्स सैटर्न आपके असेंडेंस से 7th हाउस में होंगे, मार्स एग्जाल्टेड होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं और आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ने वाली है। सो गाइस नो मोर अबाउट दिस मार्स सैटर्न ट्रांजिट in Capricorn from 22nd of March to 4th of May 2020. Visit my website www.akastrology.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. All the best. Jai Hind.